हेलो, व्हाई आर माय आईज लुकिंग रेड? ओके, आई विल फिक्स दिस. हेलो ऑन हेलो ऐप, व्हाट्स हैपनिंग? हाय 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 एवरीबॉडी, आई एम सॉरी फॉर बींग लेट. मेरी तबीयत आज थोड़ी ख़राब है एंड आई कुडंट कम, बट अभी मैं अच्छी हूँ, मैं फ्रेश हो गई हूँ आप लोगों के लिए एंड आई एम हियर. इतनी जल्दी जल्दी मैसेजेस जा रहे हैं, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे कि मैं देख नहीं पा रही हूँ मैसेजेस. बहुत वेट किया आपने. ओ सॉरी सॉरी गाइज, आई एम हियर. समबडी सेइंग हाउ इज द लॉकडाउन? द लॉकडाउन अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ एंड इट इज नॉट द ईजिएस्ट. ऑफ कोर्स आई मिस मीटिंग माई फ्रेंड्स एंड आई मिस मीटिंग माई पीपल एंड आई मिस शूटिंग, आई मिस सो मेनी थिंग्स. बट ऑफ कोर्स सेफ्टी फर्स्ट एंड इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि हम अपना हेल्थ का ख्याल रखें और आप लोग सब अपने हेल्थ का ख्याल रखें. तो ऑफकोर्स जब भी गवर्नमेंट को लगेगा कि हम सब के लिए सेफ है बाहर जाना, वी विल एंड द लॉकडाउन एंड गो आउट. बर्थडे हैट, आज मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे आता है 22 अक्टूबर को. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. ये मेरा पहला लाइव सेशन है हेलो ऐप पे. हैप्पी बर्थडे हेलो. आई थिंक आज उन्होंने 2 साल कंप्लीट किए हैं एंड आई एम सो हैप्पी. इट्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऐप्स एंड मैं हमेशा से यहाँ पे आना चाहती थी क्योंकि यहाँ पे बेस्ट फैंस आते सीक्रेट. एंड फाइनली जब हेलो वाली टीम ने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि लेट्स हैव एन अकाउंट, आई वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज आई वॉन्टेड टू मीट ऑल यू गाइज एंड आई एम सो एक्साइटेड. टुडे इज द फर्स्ट सेशन. ओके, सो आज के सेशन में इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, आई वुड लव टू आंसर. प्लीज गो अहेड. आई लव यू बेबी, आई लव यू टू. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइज. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. What am I doing during lockdown? Actually, जो भी मुझे जानता है वो जानता है कि मुझे cooking बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बना सकती. लेकिन lockdown में मैंने कुछ dishes सीखी हैं and मैं थोड़ा थोड़ा सा अब cook भी कर लेती हूँ. Secret. My favorite color is white. मेरे घर पर सब कुछ white है. माई फेवरेट कलर टू वेयर ऑल्सो इज वाइट, जबकि आज मैंने ब्लैक पहना है, बट माई फेवरेट कलर इज वाइट. हाय हाय एवरी वन, हाय 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 हाय. वाओ, वेयर एम आई रियली फ्रॉम? ओके, मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अम्बाला इन हरियाणा. But my grandparents used to stay in Kenya. So I used to spend my summer holidays and like 4 months every year in Nairobi in Kenya. So I consider myself half and half. And then after class 12, I went to the UK. I studied in Manchester. Then I moved to London and I did my job there. And then I came to Bombay. So I'm from everywhere. I'm from many places. The questions are coming so fast, I can't see anything. I love it. But I wanted to know from you guys ki aap logon ka lockdown kaisa chal raha hai? Are you guys safe? I hope you guys are with family and you guys are, you know, being positive and doing new things, trying out new things, because I'm sure the lockdown will be over soon and then all of us have to go back to our jobs and live the life that we always used to live. So everything that you never used to get time to do, please make sure that you do it now when you have the time. Nice voice. Thank you. My favorite childhood memory. My favorite childhood memory is when I used to
ट्रैवल द वर्ल्ड विद माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स. हर समर हॉलीडे में हम किसी नई कंट्री में जाते थे. तो जब तक मैं 12-14 साल की थी, मैंने कितनी सारी कंट्रीज देख ली थी. आई थिंक उसकी वजह से आज तक मेरे अंदर ट्रैवल का बहुत कीड़ा है. एंड आई ट्राई एंड मेक श्योर कि आई गो टू एटलीस्ट 4 or 5 न्यू कंट्रीज एवरी ईयर. अमिश इज सेइंग आई एम अ प्रोफेशनल सिंगर. कुछ गा के सुनाओ. एक सैड सॉन्ग. आई थिंक फॉर मी द सैडेस्ट सॉन्ग इज माना कि हम यार नहीं, जो मैंने खुद ने गाया है. एंड इनफैक्ट मुझे इतना वो टच करता है वो गाना, क्योंकि वो उस प्यार के बारे में है जो कभी कायम नहीं होता. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग फीलिंग. एंड आज भी जब मैं वो गाना सुनती हूँ, आई फील मेरे दिल में धक धक होती है. सो माना कि हम यार नहीं इज अ वेरी गुड सैड सॉन्ग. हाय हाय एवरीवन. हाय हाय हाय. ओके, सो डू यू गाइज हैव एनी मोर क्वेश्चंस? केसरी. यस, केसरी वॉज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. जब मैंने पहली बार मैं करण से मिली थी एंड ही हैड नरेटेड मी द स्टोरी विद द डायरेक्टर अनुराग, मुझे गूजबम्स हो गए थे. एंड मैंने उसी टाइम, एक्चुअली केसरी इज़ दी ओनली फिल्म जहाँ मैंने उसी टाइम पे येस बोल दिया. मैंने घर जाके सोचा भी नहीं. एंड आई न्यू आई जस्ट हैड टू बी पार्ट ऑफ इट. इवन दो एक छोटा सा रोल था, बट आई न्यू दैट आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड आई एम सो प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ केसरी. सम फन एनेक्टोट्स आर कि केसरी की शूटिंग के टाइम पे अक्षय सर और हम लोग सब बहुत लूडो खेलते थे. अक्षय सर को लूडो बहुत पसंद है, ऑनलाइन लूडो. एंड वो सबके साथ खेलते हैं, क्रू में एंड अपने को एक्टर्स के साथ. तो केसरी के टाइम पे हमारे साथ वो बहुत खेलते थे और हम लोग पैसों से खेलते थे. और वो आज तक मुझे बहुत गालियाँ देते कि तूने एक भी मुझे फूटी कौड़ी भी पे नहीं की. सो दैट यूज टू बी अ वेरी फन टाइम. द नेक्स्ट मूवी, एक्चुअली हमको भी नहीं पता. आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कहाँ जाती है और कैसे जाती है. आई थिंक वी विल ऑल वेट फॉर गवर्नमेंट रूलिंग कि थिएटर्स कब खुलेंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग ऑब्वियसली फिल्में रिलीज़ कर सकते हैं. एंड जो फिल्में थिएटर्स में रिलीज़ नहीं हो रही, वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ होंगी. एंड शूटिंग तो तभी शुरू हो पाएगी व्हेन इट इज़ सेफ फॉर एवरीबडी टू कम एंड शूट. जो अब गाइडलाइंस आने लग गए हैं कि हम लोग कैसे शूटिंग कर सकते हैं. सो द मोमेंट इट इज, आई एम श्योर ऑल ऑफ अस विल रन टू शूट फर्स्ट. फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड. जो यंग वाले वो सब मेरे दोस्त हैं, उनमें से मैं कोई नाम नहीं ले सकती. दे आर ऑल माई फेवरेट. बेस्ट को एक्टर दैट आई हैव वर्कड विद. माई फेवरेट विल बी अर्जुन, क्योंकि उसकी पहली फिल्म और सॉर्ट ऑफ मेरी पहली फिल्म भी इशक ज़ादे हमने साथ में की थी. सो अर्जुन विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट एंड माई फेवरेट. बट आयुष्मान, आई हैड अ ब्लास्ट मेरी प्यारी बिंदु में. हम लोग गाने गाते रहते थे सारा दिन एंड वी बॉन्डेड अ लॉट ऑन म्यूजिक. तो आयुष्मान वॉज माई फेवरेट. सिडो इज माई फेवरेट ऑल्सो. वो मेरा दोस्त है बहुत सालों से, सिंस हंसी तो फंसी. सो विद सिड ऑल्सो आई हैव अ ग्रेट टाइम. अक्षय सर वॉज अमेजिंग. अजय सर वॉज अमेजिंग इन गोलमाल. एक्चुअली गोलमाल की पूरी टीम बहुत अमेजिंग थी. आई थिंक हम लोग वहाँ मतलब एक रोहित सर बहुत अच्छा माहौल बना के रखते हैं. ऐसा लगता है कि हम लोग पार्टी और काम साथ में कर रहे हैं. काम के टाइम पे काम, लेकिन मज़े के टाइम पे मज़े. वो लोग बहुत प्रैंक्स खेलते हैं सब पे. सो गोलमाल की शूटिंग के टाइम पे बहुत मज़ा आया था. एक्चुअली इट वॉज ग्रेट. फिर भी नज़रें ना तुम मिलाना, दिल का एतबार नहीं. माना के हम यार नहीं. हाँ,
बीटीएस ऑफ इशक जादे, ओ माई गॉड, मेरे बचपन के दिन। इशक जादे का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये था कि जब इशक जादे शूट हो रही थी तो लेडीज वर्सेस रिकी बेल अभी तक रिलीज नहीं हुई थी, तो मैं एक ऑफिशियल एक्ट्रेस अभी बनी नहीं थी। एंड इशक जादे की शूटिंग के दौरान रिकी बेल रिलीज हुई एंड वो बहुत सक्सेसफुल हुई और मेरे एकदम से सारे डेब्यू अवार्ड्स के नॉमिनेशन आने लग गए। सो सडनली आई फेल्ट लाइक, जब मैं उसके बाद इशक जादे के सेट पे जाती थी, आई सडनली स्टार्टेड फीलिंग डिफरेंट एंड मुझे लगा जैसे अब मैं यू नो बड़ी हो गई हूँ। सो इट वॉज अ वेरी वियर्ड ग्रोइंग अप जो इशक जादे के सेट पे हुआ एंड दैट्स वाई दैट एक्सपीरियंस एंड दैट टाइम विल ऑलवेज बी स्पेशल एंड वो वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि योर फर्स्ट फिल्म इज़ योर फर्स्ट फिल्म एंड मेरे लिए लेडीज वर्सेस रिकी बेल एंड इशक जादे दोनों मेरे लिए फर्स्ट फिल्म है, क्योंकि आई शॉट देम बिफोर आई बिकेम एन ऑफिशियल एक्ट्रेस। सो फॉर मी दे बोथ आर माई फर्स्ट फिल्म, यू नो। I love you too. You like me? No, no. Like is not enough. Love mangta hai. Love. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे कोई तालियां बजाने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग आई एम अज्यूमिंग तालियां बजा रहे। क्या है? कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज। ये मैं और गाने गा सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने मेकअप किया है कि नहीं? थोड़ा सा मेकअप किया है, थोड़ा सा आईलाइनर और थोड़ा सा लिपस्टिक, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए रेडी होना ज़रूरी है ना। और हम लोग आजकल हेयर मेकअप नहीं करते, तो आई मिस गेटिंग रेडी। थोड़ा सा हम लोग घर पे रेडी नहीं होते, सो आप लोगों के लिए थोड़ा स्पेशल। आई लव यू 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 आई लव यू। नहीं मैम, आपने मेकअप नहीं किया। ये झूठ है, मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है। ओके, समरी इज आस्किंग मी योर फेवरेट बुक। आई थिंक मोर देन अ बुक, आई थिंक मुझे राइटर्स की बात करनी चाहिए, क्योंकि उन ऑथर्स ने जो भी बुक्स लिखी हैं वो सब मेरी फेवरेट हैं। सो डैन ब्राउन फॉर एग्जांपल, उन्होंने डाविंची कोड, एंजल्स एंड डीमंस, डिजिटल फोर्ट्रेस एंड डिसेप्शन पॉइंट, चार बुक्स लिखी हैं विच आर माई फेवरेट। हैरी पॉटर जब आया था, आई वॉज क्रेजी। जब मैं थोड़ी छोटी थी तो आई रिमेंबर हैरी पॉटर की बुक्स जब रिलीज होती थी, मैं सबसे पहले स्टोर में जाके खड़ी होती थी, बिकॉज मैं लाइन में घुस के पहले दिन खरीदना चाहती थी, बिकॉज आई नीडेड टू रीड इट इमीडिएटली। हैरी पॉटर बुक्स वर द बेस्ट। सिडनी शेल्डन, थोड़ा फिक्शन थोड़ा मजा, बट द बुक दैट रियली चेंज माई लाइफ वॉज द ग्रेटनेस गाइड बाय रॉबिन शर्मा। आई थिंक जब मैंने वो बुक पढ़ी थी, मैंने रियलाइज़ किया था कि मुझे ज़िंदगी में किस तरह का डिसिप्लिन चाहिए, और जो भी आपको चाहिए आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा। जो भी आपको लाइफ में चाहिए उसको अगर आप छोड़ देंगे तो आपको कभी मिलेगा नहीं, लेकिन आप उसके पीछे भागेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आई थिंक देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स दैट आई लव। बर्थडे हैट कैसे मिलता है? बर्थडे हैट कैसे मिलता है? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी मैरिज कब होगी? कोई मेरे लिए लड़का ढूंढ रहा है? पहले बताओ, लड़का ढूंढो, देन आई विल गेट मैरिड। Would you like to do international projects?
डेफिनेटली आई थिंक अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो आई एम अ वेरी ग्रीडी एक्टर. अगर मुझे कुछ अच्छा काम मिलेगा चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो किसी भी इंडस्ट्री में हो आई वुड लव टू गो एंड डू इट. मैं आई जस्ट वॉन्ट टू डू गुड वर्क एंड आई वॉन्ट टू यू नो डू वर्क इन एनी लैंग्वेज. सो यू नो साउथ इंडियन फिल्म्स पर्शियन फिल्म्स इटालियन फिल्म्स चाइनीज फिल्म्स इंग्लिश फिल्म्स डजंट मैटर. आई जस्ट वॉन्ट टू डू गुड गुड वर्क. सो येस एब्सोल्युटली अगर कुछ इफ आई गेट अ गुड ऑफर फ्रॉम अमेरिका ऑफकोर्स आई वुड कंसिडर इट. बर्थडे हैट थैंक यू. ये बर्थडे हैट बहुत कूल चीज है. बर्थडे हैट इंटू वन नहीं मुझे बर्थडे हैट इंटू फाइव भेजो. प्लीज सिंग तेरी मिट्टी. आई जस्ट सैंग. थोड़ा रिवाइंड करके आपको देखना पड़ेगा. आई सैंग तेरी मिट्टी फॉर यू गाइज. आपकी हेल्थ कैसी है? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट. ये कोई पूछता नहीं है. मेरी हेल्थ अच्छी है आई थिंक. एंड लॉकडाउन में बहुत मुश्किल है अपना डेली स्केड्यूल पे रहना बिकॉज ऑफकोर्स हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं एंड हम लोग वर्कआउट इतना नहीं कर पाते जैसे हम लोग पहले करते हैं. हम लोग शूट्स पे नहीं जा रहे. सो वी आर नॉट एज एक्टिव. हम लोग घर पे थोड़ा यू नो थोड़ा सिडेंट्री थोड़ा नॉर्मल रहते हैं. सो इट्स नॉट द सेम एज बिफोर बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. जितना अच्छा हो पाए हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं. आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है. थैंक यू. एक्चुअली एक लिप बाम है जिसमें थोड़ा कलर है. सो आई रियली लाइक इट. नाइस थैंक यू. आई एम योर बिगेस्ट फैन. आई एम योर बिगेस्ट फैन. फेवरेट पंजाबी सिंगर. वाओ आई लव गुरु. गुरु मेरा दोस्त भी है तो मुझे मेरा थोड़ा बायस है गुरु के लिए. आई नो बादशाह एक रैपर है बट आई कंसिडर हिम टू बी यू नो अ सिंगर पॉप स्टार. ही इज अ रॉक स्टार. सो बादशाह गुरु एमी विर्क जस्सी गिल दे आर ऑल माई फेवरेट्स. आई लव देम. थैंक यू. गुरु इज ऑल्सो ऑन हेलो. अच्छा मैं गुरु को फोन करूंगी इसके बाद और उनको बोलूंगी कि आप ये सब बोल रहे थे उनके सामने. कपिल शर्मा से कब मिलोगे दोबारा? आई थिंक अभी कपिल भी अपना शो ऑब्वियसली शूट नहीं कर पा रहा है बट आई एम श्योर जब भी लॉकडाउन खत्म होगा सब लोग शूटिंग पे वापस जाएंगे तो 100% हम लोग जाके कपिल शर्मा का शो भी शूट करेंगे. बहुत मजा आता है वहां पर. कपिल बिल्कुल एक दोस्त की तरह और बहुत मज़े के साथ अपने शोज शूट कर रहा है और वहाँ पे हम लोग चाहे 5-6 घंटे भी शूट करें बट टाइम कहाँ जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता. सो आई लव शूटिंग दैट शो. आई लव यू यार सच्ची में. आई लव यू टू. आई लव यू. आई लव यू. फेवरेट डेस्टिनेशन. सो आई थिंक काफ़ी लोगों को पता है कि मुझे स्कूबा डाइविंग बहुत पसंद है एंड जब भी मुझे मौका मिलता है मैं किसी डाइविंग ट्रिप पे ज़रूर जाती हूँ और मैं स्कूबा डाइविंग करती हूँ तो किसी भी आइलैंड डेस्टिनेशन में जाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है. यू नो पलाव सिपदान ऑस्ट्रेलिया मालदीव्स हमारे इंडिया में लक्षद्वीप Mediterranean. There are just so many islands in the Mediterranean जो I can't even start the list. तो any island destination is my dream destination. मतलब जब भी मुझे छुट्टी चाहिए होती है सिटी से ज़्यादा मैं पहले island जाना चाहती हूँ because I love it. You know. Favorite old song. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं. बुरा ना मानो बात का ये प्यार है गिला नहीं. एंड लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले से ये
फिर से खुद के लिए तालियां. थैंक यू सो मच गाइस. सो दीज आर माई टू फेवरेट ओल्ड सॉन्ग्स. पर ऐसे बहुत सारे गाने हैं. इशारों इशारों में दिल लेने वाले, पता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से. निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से. अभी आप लोग मुझे गाना बोलना शुरू करोगे तो मैं रुक नहीं पाऊंगी. फिर ये सिंगिंग महफिल हो जाएगी और लाइव सेशन नहीं होगा. बट ये तीन गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और मेरे डैड को मुकेश के गाने बहुत पसंद है, तो हम लोग जब बड़े होते थे तो वो मुकेश जी के गाने लगा के उस पर रियाज करते थे और हम लोग सुनते थे. तो उनके सारे गाने हमको यू नो बाय हार्ट याद हैं क्योंकि हम लोग इतना सुनते थे. सो ऑफकोर्स पुराने गाने इज़ ऑलवेज स्पेशल. और जब मैं म्यूज़िक सीख रही थी और मैं म्यूज़िक क्लासेस में जाती थी तो हम लता जी के गाने पर रियाज करते थे. सो ऑफकोर्स ऑल हर सॉन्ग्स आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड शी इज़ द गॉडेस. सैफ अली खान, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स. थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू सो मच गाइज. लेट्स टेक द लास्ट टू थ्री क्वेश्चंस क्योंकि मुझे जाना है और थोड़ा डिनर खाना है और आई एम श्योर आपको भी डिनर खाना होगा. सो लेट्स टेक अ फ्यू क्वेश्चंस एंड अगली बार मिलेंगे फिर से जब लाइव सेशन करेंगे. योर वॉइस इज अमेजिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइज. मेरे को गाने में बहुत अच्छा लगता है. जो भी मेरे आसपास होते हैं वो लोग पक जाते हैं मैं इतना गाना गाती हूँ. बट दे हैव टू डील विद इट. इट्स ओके. भोजपुरी का गाना, ओह शिट, मुझे नहीं आता. मैं सीखूंगी, सिर्फ आपके लिए सीखूंगी और भोजपुरी गाना गाऊंगी अगली बार. जान सी महबूब, आई लव इट. आई थिंक यहाँ पे जितने भी मुकेश जी के फैंस हैं वो मैं उनकी फैन हूँ. आई लव मुकेश जी के गाने. ऑफकोर्स उनके तो बहुत सारे गाने हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे चांद सी महबूबा एंड चंदन सा बदन एंड जीना यहाँ मरना यहाँ एंड जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, दैट वन. एंड कितने गाने हैं, माई गॉड. जोकर की तो पूरी एल्बम उनकी है. सो बहुत बहुत अमेजिंग गाने हैं मुकेश जी के. आई लव देम बिकॉज दे वर माई डैड्स फेवरेट, तो हम लोग बहुत सुनते थे उनके गाने. हैप्पी बर्थडे. मेरा बर्थडे ही नहीं है. मेरा बर्थडे आता है 22 अक्टूबर को, जो बहुत जल्द आने वाला है. मेरे को गिफ्ट्स भेजो. आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है. थैंक यू. कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ड्रेस है. थैंक यू सो मच गाइज. आई हैव टू गो. ओके, सो आई हैव टू गो. थैंक यू सो मच. आप लोगों के साथ बहुत मजा आया बात करके. थैंक यू सो सो मच. एंड अगली बार हम लोग फिर से मिलेंगे. एंड अगली बार मुझे लग रहा है कि हम लोग एक सिंगिंग सेशन करते हैं, एक महफिल करते हैं. हम लोग सॉन्ग रिक्वेस्ट लेंगे और हम लोग सब साथ में गाना गाएंगे. बट टिल देन आई स्पेशली वॉन्ट टू विश हेलो अ वेरी हैप्पी बर्थडे. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear hello, happy birthday to you. Birthday hats please hello आपको भेजो, the best app out there, बहुत मजा आता है. And I will be back for soon, I will be back for more soon. And wish you a very happy birthday hello. Thank you for having me on your platform. And let's create amazing content together so that all our lovely fans can be entertained. Bye everybody, take care.